भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, सरकारी अध्यापक चैनल पर हम बेस्ट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जो कि बाल विकास के क्वेश्चंस होंगे। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं बाल विकास में, उसमें उस चैप्टर के बेस्ट 100 यानी कि बेस्ट 100 क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आधे क्वेश्चंस तो पेडागोजी के कवर कर रहे हैं, जिसमें आधे क्वेश्चंस है वो थ्योरी वाइज हैं, यानी कि आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो 7वीं वीडियो है, जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। लगभग 10 वीडियोस में पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था। इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन है। उसमें हमने 10 वीडियोस में पढ़ाया था, तो उसमें हमने वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम और वातावरण सारी चीज़ों को पढ़ा दिया था। अब उस वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि, विकास से जो बेस्ट 100 क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सी टेट एग्जाम के लिए है, क्योंकि हम पहले 40 क्वेश्चंस को यूपी टेट के लिए डिस्कस कर चुके हैं। बाद में जो हम आज 30 तक यानी कि अगले 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें केवल जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके थोड़े से दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है, यानी कि हम 60 तक क्वेश्चंस को पहले कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से। मानव विकास को निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो मानव विकासों का जो एक क्षेत्र है उनको किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये आपको पता होगा अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूँ कि मानव विकास का कोई सामाजिक नाम का कोई क्षेत्र नहीं है। जब मैंने आपको ये बता दिया कि सामाजिक नाम का कोई क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर भी सामाजिक है और यहाँ पर भी सामाजिक है, तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सारे मानव विकास के क्षेत्र हैं, आप इनको याद कर लीजिए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज के ये जो सारे प्रश्न है ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। 2015, 16, 17, 18 जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगला प्रश्न बोलता है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जो किशोर हैं, किशोरावस्था वाले जो किशोर होते हैं, वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, यानी कि बचपन में उन्होंने कोई अपराध किए होंगे तो उनका जो डर होता है उनका भाव, वो कर सकते हैं अभी अनुभव, तो नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारी बातें, मतलब उनको यही नहीं पता होगा कि कौन सा अपराध किया था, तो कई सारे अपराध ही नहीं पता होंगे, याद होंगे बचपन के। तो यहाँ पर जो डर वहाँ पर होगा उस डर को अभी महसूस, उसका भाव महसूस नहीं कर सकते। आत्मसिद्धि का भाव, तो ये कुछ थोड़ा सा धार्मिक सा हो गया कि जो किशोर हैं वो आत्मसिद्धि का भाव महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आत्मसिद्धि तो मतलब जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो बड़े बड़े विद्वान संत होते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, तो किशोर नहीं कर पाएंगे। जीवन के बारे में परिस्थिति, यानी कि जीवन के बारे में जो उनकी परिस्थिति है उसका अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर नहीं कर सकते। वो अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, जिसमें बालक परिपक्व होता है, उसमें जो जीवन के परिस्थितियां हैं उनका अनुभव करता है। यहाँ पर किशोरावस्था में बालक कोई भी जीवन की परिस्थिति का अनुभव नहीं करता है, इसलिए तीनों ऑप्शन कट गए हैं। तो आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता यानी कि व्यर्थ की चिंता करना, तो किशोर करता है। स्वयं से सरोकार यानी कि स्वयं से बातें करना, अपने आप में ही मस्त रहना, अपनी समायोजन कई सारी चीज़ों को अपने आप में ही कर लेना, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी किशोर में, इसलिए जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस वीडियो के एंड में बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आए इसमें से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और अगर आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 10 में से 7 या फिर 8 अगर आप सही कर लेते हो, तो आप ये समझिए कि आप जो सीटेट की परीक्षा है वो आसानी से निकाल लोगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अब यहाँ पर बोला गया कि जो भाषा विकास है उसमें सहयोग करने के तरीका को बताना है हमें, जो कि गलत है। तो गलत है तो मतलब नेगेटिव पॉइंट होगा, और हमें जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको एलिमिनेट कर देना है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी कि बच्चे को टोके नहीं उस पर प्रकरण पर बात करें, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए हमारा जो आंसर नहीं होगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, जो उसकी भाषा है
जो वो अपनी भाषा बोल रहा है उसका जो प्रयोग है उसको अमान्य कर दिया, यानी कि गलत साबित कर दिया। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो यही हो सकता है। लेकिन हम आप क्या क्या करेंगे, आगे वाले पॉइंट्स और पढ़ते हैं। उसके प्रयोगों का समर्थन करना, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी वो प्रयोग कर रहा है कक्षा में उनका क्या करना है, समर्थन करना है। प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अवसर उपलब्ध कराना तो अपने आप में ही एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो इसलिए प्रयोग जो बच्चा कर रहा है उसको अवसर और दिए जाएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें बोला गया है कि सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि जो बच्चा अपनी भाषा में प्रयोग कर रहा है उसको अमान्य कर दिया जाए। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, यानी कि एक ऐसा समूह का नाम बताना है जो कि बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसमें वो भूमिका अदा करते हैं कई सारी चीज़ों की, और उनको व्यवहारों के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ग्रुप है वो कौन सा है, भाई बहन और अध्यापक का ग्रुप अच्छा हो सकता है, अध्यापक एवं साथी का ग्रुप, साथी एवं माता पिता का ग्रुप, माता पिता एवं भाई बहन का ग्रुप। तो देखिए ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की गई है, बात किसकी कर रही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है वो कहीं की जगह पर आपको 3 से 9 भी मिलेगा और कहीं कहीं 3 से 9 भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो बालक होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा घर में रहता है, तो साथी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो व्यवहार हैं उनके बारे में जो जानकारी प्रदान करेंगे वो सबसे पहले तो करेंगे माता पिता। तो माता पिता हमारे इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, और यहाँ पर साथी कोई भूमिका अदा नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई ऐसा कोई साथी नहीं होता है कि जो उसको व्यवहारों के बारे में जानकारी दे। तो व्यवहारों के बारे में जो जानकारी मिलेगी उसको अपने भाई बहन और माता पिता से मिलेगी। इस समूह में भी ज़्यादा लोग हैं, उसकी माता है, उसके पिता है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, इस समूह में ज़्यादा लोग भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट समूह है वो यही है जो घर वाला समूह है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे पहले भी वही समूह आता है। इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स में बताना मुझे कितने आंसर सही हैं आपके 10 में से। और जो लास्ट वाला है वो इजी है, उसका तो आंसर जो है वो सही देंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, नाराज होना क्या है, आसान है। अब देखिए एक चीज समझिए, क्रोध, भय, घृणा, नाराजगी, ये सारी चीजें क्या हैं, संवेग हैं। यहां से ये जो क्वेश्चन है पहली लाइन पढ़ते ही समझ जाइएगा ये क्या है, संवेग होते हैं। परंतु लेकिन देख लेते हैं कि पेडागोजिकल कुछ यहां पर क्वेश्चन बना के तो नहीं दे दिया गया है। परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही जगह पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये किस चीज से संबंधित है, ये जो देखिए अब यहां पर ये बोला गया कि नाराज होना तो आसान है, लेकिन एक सही व्यक्ति के ऊपर नाराज होना, सही मात्रा में, ज्यादा नाराज नहीं होना है, सही समय पर नाराज होना है, यानी कि कोई ऐसा समय ना हो। तो जो इसमें जो चीजें कंट्रोल करने वाली हैं वो क्या है, आपका आपका जो घृणा है, क्रोध है, भय है, प्रेम है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने वाली होती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, संवेगों के अंतर, तो संवेगात्मक विकास से ये संबंधित है, याद रखेंगे। सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि जब सामाजिक की बात करता है तो कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी शामिल नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की नहीं करता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करता तो यहाँ पर उसके संज्ञान, उसकी सोच समझ से संबंधित होता। यहाँ पर शारीरिक की तो बात कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई शारीरिक वहाँ पर की अगर बात करता है तो शारीरिक कोई भाग की जरूर बात करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संवेगों से संबंधित है, और संवेगों को कंट्रोल कर लेगा तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था मतलब समझ लीजिए आप 7 से 8 वर्ष, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, यानी कि ये बोल रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है बालकों की वो डैश के बजाय, यानी कि डैश नहीं है, इसके बजाय डैश है, यानी कि अब कैसी है। तो ऑप्शन 1 पढ़ लेते हैं कि भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था है उसमें भाषा कैसी है, सामाजिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, उसके बजाय कैसी है, अहम केंद्रित है बालकों में, अहम केंद्रक ज्यादा है बालकों में, ये आपको पता होगा, ऑप्शन ये सही हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं कि
मध्य बाल्यावस्था में भाषा जीववादी के बजाय सामाजिकरत अधिक है। सामाजिकरत है भाषा, बिल्कुल सामाजिकरत नहीं है। जो भाषा है वो बालकों की बिल्कुल सामाजिकरत नहीं है। यहाँ पर परिपक्व के बजाय परिपक्व होनी चाहिए लेकिन अपरिपक्व है। यहाँ पर देखिए, परिपक्व अरिपक्व परिपक्व की कोई बात नहीं होती, क्योंकि परिपक्व और अपरिपक्व की बात ही किशोरावस्था के बाद होती है। क्योंकि यहाँ पर तो हम केवल जो पढ़ते हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अपरिपक्व, यहाँ पर बालक की जो भाषा है वो परिपक्व भी नहीं होनी चाहिए। जब बालक 7 साल का है, 6 साल का है, तो वहाँ पर परिपक्व से क्या मतलब है बालक का? अहम केंद्रित की बजाय सामाजिकरत अधिक है। यानी कि ये बोल रहा है कि भाषा अहम केंद्रित की बजाय, यानी कि अहम केंद्रित होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हमारा नेगेटिव है। अहम केंद्रित तो होनी ही नहीं चाहिए और सामाजिकरत है भी नहीं। इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखेंगे, भाषा कैसी होनी चाहिए? सामाजिकरत, लेकिन नहीं है। उसकी बजाय कैसी है? अहम केंद्रित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। तो ये हमने सिद्धांत पढ़े थे, विकास के जो सिद्धांत पढ़े थे उसका सिद्धांत है। किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो एडी से चोटी, देखिए जब मैंने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे तो विकास का क्रम, विकास की दिशा मैंने आपको बताई थी। वो तो बताया था मैंने, एक वर्ड बताया था, सिर पदाभिमुख मस्तको अधोमुखी, यानी कि मस्तिष्क से पैर की ओर, ऐसे होती है। तो यहाँ पर जो चोटी से एड़ी तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एड़ी से चोटी तक कोई की जो गति होती है वो कोई नहीं होती, इसलिए जो ऑप्शन नंबर है वो कट जाएगा। यह अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, यानी कि जो विकास की गति है वो अव्यवस्थित होती है, तो ये तो नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, तो नहीं होती है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित भी नहीं होती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, जो विकास की गति है कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है। ठीक है, विकास हर अवस्था में होता रहता है और व्यवस्थित तरीके से होती रहती है। एक समय पर जाकर वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास है वो धीरे 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 होता रहता है। जितने ज़्यादा जो आप बड़े होते जाओगे, जितने ज़्यादा आप उम्र के होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका विकास होता जाएगा। तो एक व्यवस्थित क्रम में क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, याद रखेंगे। ठीक है, 67 का आंसर 4। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निचली कक्षाओं में, जो निचली कक्षाएं होती हैं, शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से आधारित है। मूल रूप से जो शिक्षण की पद्धति है वो किस चीज़ पर आधारित है? जो खेल पद्धति है, तो खेल पद्धति से क्या मतलब है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन हाँ, हो सकती है, लेकिन अभी हम ऑप्शन दूसरे और पढ़ लेते हैं। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है। जो खेल पद्धति है वो शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि उससे हो क्या रहा है, उससे क्या फायदा निकल रहा है। जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है यहाँ पर। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो खेल पद्धति है, शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में पॉइंट है ये, बहुत बड़ा अपने आप में इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं। ठीक है, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शिक्षण के जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत उस पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है सबसे ज़्यादा जो हमें पॉसिबल लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें वृद्धि भी है, विकास भी है, अपने आप में बड़ा क्षेत्र है, जो खेल पद्धति है वो भी इसके अंदर आ जाएगी, और उससे यही सारी चीज़ें होती हैं, वृद्धि होती है, विकास होती है, इन्हीं सिद्धांतों पर ही आधारित है। ठीक है, सबसे कम यहाँ पर वो है वो शारीरिक ही है, और सबसे जो बेहतर आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 68 का 3 आंसर है। 69 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कहला कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता जो होती है उसके साथ संबद्ध नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, सामाजिक पूछा गया है, सामाजिक इसमें भी आ रहा है, सामाजिक अनुमोदन और सराहना, तो ये ऑप्शन तो मतलब सही है, इससे संबंधित है, सामाजिक से ही संबंधित है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो जो मनोवैज्ञानिक है उसमें ही संवेग भी आ जाते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तो संवेगों से भी संबंधित है, तो इसको रखते हैं, थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, डी लिख देते हैं इसके ऊपर।
लेकिन हमें बताना है कि संबद्ध नहीं है, जो हमें एकदम अलग से आंसर दिख जाएगा उसको करेंगे, ठीक है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो ये तो मतलब अलग सी चीज़ें हमें मिल चुकी है, जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है आंसर। शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं नियमित रूप से, तो ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ये शारीरिक मनो जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके साथ संबंध है, ठीक है, याद रखेंगे शारीरिक आवश्यकताओं के साथ संबंध है ये। आगे बढ़ लेते हैं, सान्निध्य, इसको आप हिंदी में भी इसका वर्ड को बोल लीजिए, संगति इसको बोलते हैं, इसको भी याद कर लीजिए, सान्निध्य का जो अर्थ है वो क्या होता है, संगति। तो संगति की आवश्यकता, और संगति किस में आ जाती है, सामाजिक में, इसलिए जो हमारा जो आंसर है वो मिल चुका ही था पहले ही। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये कोई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब चलिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा काफी ज्यादा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इजी होगा, सरल होगा। तो मैंने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे, उसमें इस सिद्धांत ही पूछा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये सभी आपको पता है। तो ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, इसका जवाब आप देंगे नीचे कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में जवाब देंगे आप, नीचे नीचे कमेंट्स में जवाब देंगे 70 वाले प्रश्न का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाल विकास के पहले चैप्टर से, उम्मीद है कि काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे, जो आज के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।